बहुत ही हारे हुए से लग रहे थे। दिमाग खराब हो गया है अजय का। नाटक मत करो विकास, सब पता है मुझे। अब ये बुलबुल तो हमारी कैद में है। सारी जायदाद अजय के होने वाले बच्चे के नाम कर दी। मुझे यहाँ से निकलना है। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। काम करना है, कहाँ लेके जा रहे? अच्छा जी, अरे कहाँ तुम पहुंची हो? जीते रहो बेटा। भाभी कैसी हैं आप? भाभी कैसी है? भाभी देख नहीं रही कैसे इनकी सांसें फूल रही हैं। कोमल भाभी आप है ना, आप बिल्कुल अपने नाम जैसी हैं, एकदम कोमल। विकास जी बस भी कीजिए, कम से कम पत्नी और बड़ों के सामने तो थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए ना। अरे आप दोनों बस कीजिए ना। भाभी हम यहाँ पे आपका बेबी शावर सेलिब्रेट करने आए हैं। बेबी शावर? हाँ, लेकिन मेरी गोद भराई तो हो चुकी है ना, तो दोबारा कर लेंगे, उसमें क्या है। परिवार के साथ तो हर दिन सेलिब्रेशन होता है। चाचा जी समोसा खाइए फटाफट, कोमल से छुपा के लाया हूँ। खाइए खाइए। नहीं बेटा मन नहीं है बेटा, तुम कहो। ये क्या बात हुई चाचा जी? अच्छा आपको याद है बचपन में जब मैं खाने में आनाकानी करता था, मैं खाता नहीं था, तो आप क्या करते थे? आप मुझे जबरदस्ती अपने हाथों से खिलाते थे। याद है सब? याद है। तो बस अब वही जबरदस्ती मैं आपके साथ करने वाला हूँ। ये लीजिए खाइए खाइए खाइए। ये हुई ना बात। चाचा जी बिजनेस में नुकसान होते रहता है, मैं मानता हूँ, पर आप तो एक स्ट्रॉन्ग इंसान है, ये छोटे मोटे बिजनेस के नुकसान से आपको कब से फर्क पड़ने लगा? बेटा बिजनेस के नुकसान को तो सहा जा सकता है, लेकिन जिंदगी के नुकसान को कोई कब तक सहेगा? खैर तुम ये सब बात छोड़ो, कोमल को तुम्हारी जरूरत है, तुम जाओ। ठीक है। अजय बेटा मेरी एक बात याद रखना बेटा, शादी के पवित्र रिश्ते की गरिमा को हमेशा बना के रखना। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास और भरोसे की डोर से बंधा है, उसे कभी तोड़ना मत बेटा। जाओ जाओ।
अजय, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो। उमर, आज चाचा जी ने बहुत ही अजीब बिहेव किया। उन्होंने जीवन में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं, पर मैंने उन्हें कभी भी ऐसे नहीं देखा। बहुत ही हारे हुए से लग रहे थे। पता है उन्होंने एक अजीब सी बात कही मुझसे। क्या? वो बोले कि बेटा, शादी के रिश्ते की गरिमा हमेशा बनाए रखना। पता नहीं ऐसा क्यों बोले। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम चाचा जी से अकेले में एक बार बैठ के बात करो ना। हो सकता है वो तुम्हें अपने मन की बात बता दे। आज सब लोग थे ना, शायद इसलिए अपने मन की बात नहीं बोल पा रहे होंगे, लेकिन अकेले में अपने मन की बात खुल के बोल पाएंगे। शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं कल ही उनसे जाके मिलता हूँ। काफी देर हो गई है, तुम सो जाओ। हाँ, तुम भी। अजय भाई, आप इतनी सुबह? हाँ, मैं यहीं से गुजर रहा था तो सोचा तुम लोगों से मिल लूं। अच्छा, नमस्ते चाची। नमस्ते। चाचा जी कहाँ हैं? वो अपने कमरे में हैं। अब तुम जाके उनसे मिल लो, नाश्ते के लिए बुलाओ उन्हें, और तुम भी आज नाश्ता करके जाना, ठीक है? ठीक है। एम्बुलेंस बोलो आप पोस्टमार्टम के लिए। मामला सुसाइड का लगता है, आप लोगों को क्या लगता है उन्होंने ये कदम क्यों उठाया? कुछ टाइम पहले इन्हें बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ था, और उस लॉस की वजह से ना वो हमेशा टेंशन में रहते थे। रवि जी आपके पिताजी थे? जी नहीं, वो हमारे ससुर जी थे। एक्चुअली बिजनेस के नुकसान के बाद उन्होंने हम दोनों को अपने पास बुला लिया था ताकि हम उस नुकसान से उभरने में उनकी मदद कर सकें, और तब से ही उनकी दोनों बेटियां और हम दोनों यहीं पे रहते हैं। हम साथ में तो थे, लेकिन कभी भी उन्हें उनके अकेलेपन से बाहर नहीं निकाल पाए, और उन्होंने मत करो कोमल, मेरा मन नहीं है। मन नहीं है? कभी कहते हो तबीयत ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, कब तक चलता रहेगा ऐसे? चाचा जी को गए हुए इतना टाइम हो गया है, और तुम अब तक उस शौक से बाहर नहीं निकले हो। किसी के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती है। उनके जाने का भी वक्त नहीं था। मैं मान ही नहीं सकता कि बिजनेस में नुकसान की वजह से उन्होंने अपनी जान ली है। ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? वो तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक रिश्तेदार थे ना। अजय, ऐसा नहीं है। उनके जाने का दुख मुझे भी है। तेरे जितना नहीं है। मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूँ उनका। उन्हें जब सबसे ज्यादा जरूरत थी ना मेरी, तब मैं तुम्हारे साथ यहाँ ऐश की जिंदगी बिता रहा था। मैं उस दिन को कोसता हूँ जिस दिन मैंने तुम्हारे साथ ये बसेरा बनाने की सोची। रात को आओ, अंदर आओ। हाँ, वो मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो सोचा आप लोगों से मिल लूं। बस चली आई। आप दोनों कहीं जा रहे थे क्या? वो भाभी, हमें यहाँ काफी दिन हो गए ना। अब हमारे सास ससुर चाहते हैं कि हम उनके साथ भी चले जाएं, तो बस वहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। तुम वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है चाची जी। जब से चाचा जी की डेथ हुई है, अजय बिल्कुल बदल गए हैं। हर वक्त चिढ़े रहते हैं। आज तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर वो मेरे साथ अलग घर लेकर नहीं रह रहे होते तो आज चाचा जी जिंदा होते। आप ही बताइए चाची जी,
चाचा जी की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ क्या? हाँ अजय भैया ऐसा कैसे कह सकते हैं? दिमाग खराब हो गया है अजय का। तुम दोनों की शादी के बाद तुम्हारे चाचा जी, मैंने और अजय ने साथ में मिलकर ये फैसला लिया था कि तुम लोग अपना अलग घर बसाओगे। भाभी अब रो मत, मैं अजय भैया से बात करूंगी ना। हेलो भाभी, क्या हुआ? क्या हुआ कोमल, क्या हुआ बच्चे बता, बोल तो सही। भाभी बोलिए। कोमल क्या हुआ कोमल? चाची जी पुलिस स्टेशन से फोन था। क्या कहा पुलिस ने? अजय का एक्सीडेंट हो गया। और अजय क्या कह रही है? तुम्हारे बिना तो मुझे जीना ही नहीं आता अजय, कैसे बताऊंगी मैं जिंदगी अकेले कैसे? तू अकेली नहीं है कोमल, तेरा पूरा परिवार तेरे साथ है। तू मेरे साथ चल, अब तू मेरे साथ ही रहेगी। लेकिन चाची ऐसे कैसे मैं आपके साथ? ऐसे वैसे कुछ नहीं, तू चल मेरे साथ, तुझे और तेरे बच्चे को देखभाल की जरूरत है। अगर अजय यहाँ होता तो वो भी यही चाहता और तेरे चाचा जी भी यही चाहते। मना मत कर, अगर तू चाहे तो हम एक दूसरे की ताकत बनकर रह सकते हैं। बैठिए भाभी। अच्छा हुआ आप सासू माँ के साथ यहाँ आने के लिए तैयार हो गई। रितु और आस्था नजर नहीं आ रहे। वो लोग तो अपने घर चले गए। वो एक्चुअली हमारे पेरेंट्स भी तो घर पे अकेले हैं, उनका भी तो ध्यान रखना है ना, इसलिए। तो आप लोग नहीं गए? वो एक मैंने रोक लिया दोनों को। इतना बड़ा बिजनेस है, मैं अकेले कैसे संभालूंगी? मैं ठहरी घरेलू, तो मैंने सोचा ये दोनों ही मुझे समझा सिखा देंगे। वो सब छोड़िए ना भाभी, आपको मालूम है आपके कमरे में एक स्पेशल सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा है। सरप्राइज? हाँ चलिए चलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ, आइए आइए। थैंक यू। अरे थैंक यू तो आपको सासू माँ को बोलना चाहिए। ये जितनी मेहनत आप देख रही है ना, ये सब कुछ सासू माँ ने अकेले किया है। थैंक यू चाची जी। अरे मुझे थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है, ये सब मैंने तुम्हारे लिए थोड़ी किया है। ये सब तो मैंने मेरे आने वाले पोते या पोती के लिए किया है। जब बच्चे की माँ खुशनुमा माहौल में रहती है तो बच्चा भी तो खुश मिजाजी होता है। भाभी वैसे मेरा कमरा ना आपके बगल में ही है, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना आप मुझसे कहना। ठीक है बाय। क्या कर रही हो अजय? क्या कर रही हो? क्या मैं क्या सपना देख रही थी? बिल्कुल सच जैसा लग रहा था। गुड मॉर्निंग कोमल, आप बैठो ना। बैठिए ना, बैठिए बैठिए। आज हम आपको नाश्ता सर्व करेंगे।
कोमल, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के पैसे तुम्हारे अकाउंट में आ गए? नहीं चाची, बस एक बार कंपनी से कोई इंक्वायरी के लिए आया था, उसके बाद कंपनी वालों से कोई बात ही नहीं हुई। अच्छा, तो सुमित के काफी सारे कॉन्टैक्ट्स हैं इंश्योरेंस कंपनी में। सुमित, तुम क्यों नहीं अपने कॉन्टैक्ट्स यूज करके काम थोड़ा ज्यादा तेजी से बढ़वाओ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर आप कह रही हो तो मैं तुरंत ही अजय भाई के ऑफिस चले जाता हूँ, वहाँ जाके पता करता हूँ कि बात कहाँ तक पहुँची है। थैंक यू, मैं चलता हूँ। बाय बाय। विकास, मुझे तुमसे भी एक काम है, मैं अभी आई। जी मैम। मैं 1-2 लाख रुपए का चेक कोमल के नाम से काट रही हूँ, तुम कोमल के अकाउंट में डलवा देना। जब तक इंश्योरेंस का पैसा नहीं आता तब तक तुम अपने खर्चों के लिए ये पैसा इस्तेमाल कर सकती हो। नहीं चाची, मुझे इतने सारे पैसों की जरूरत नहीं है, आप इतना सब क्यों कर रही हैं? कर समझ के रख लो कोमल, जब खुद का पैसा होता है ना तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। जब तुम्हारा इंश्योरेंस का पैसा आएगा तब मुझे लौटा देना। ठीक है, जैसा आप कहें। हिम्मत कैसे हुई आधी रात को मेरे कमरे में घुसने की? ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी जी? मैं आपके कमरे में, वो भी आधी रात को? नाटक मत करो विकास, सब पता है मुझे, तुम आधी रात को मेरे कमरे में आए थे और तुमने मुझे छुआ भी था। ये झूठ है। अगर ये झूठ है तो तुम्हारे ये कुर्ता कैसे फटा? और ये तुम्हारे कुर्ते का ये टुकड़ा मेरे कमरे में कैसे आया? वो तो मैं बस आपके कमरे में देखने आया था कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। आप भी जानती है ना कि एक अकेली जवान विधवा औरत, इसकी भी अपनी कोई जरूरतें होती हैं। और आप समझ रही है ना कि मैं किन जरूरतों की? बकवास बंद करो विकास। अभी आपको मेरी बातें बकवास जरूर लग रही होंगी, लेकिन एक बार मौका तो दे करके देखिए, मेरे दीवाने हो जाएंगे। कहें तो एक छोटा सा प्यारा सा टीज़र दिखाऊं क्या? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, काश छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे कोमल, क्या हुआ, रो क्यों रही है? क्या हुआ? रोना बंद, यहाँ आओ, आओ यहाँ बैठो, मेरे पास बैठो, बैठो आराम से। रो क्यों रही हो कोमल, बताओ ना। वो विकास जी। क्या विकास जी, क्या किया विकास ने? चाची जी, विकास जी बिल्कुल भी अच्छे आदमी नहीं है। कल रात को वो मेरे कमरे में आए थे और उन्होंने मुझे छूने की कोशिश की, और अभी भी उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। क्या कह रही है, उसकी इतनी हिम्मत? तो अभी चल मेरे साथ, चल। मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर की बहू पर बुरी नजर डालने की? नहीं सासू मां, भाभी को जरूर कोई गलत फहमी हो रही है, और आप भी मुझे गलत समझ रही हैं सासू मां। समझ तो मैं बिल्कुल सही रही,
नजर तो तुम्हारी गंदी है ही, ये तो मैंने देख लिया, लेकिन मेरे होते हुए तुम कोमल पर बुरी नजर डालो ये मुझे मंजूर नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सासूमा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पाप हो गया है सासूमा। एक्चुअली सासूमा आपने इतने दिनों से मुझ पर ध्यान नहीं दिया तो मैं भटक गया था सासूमा। क्या हो गया? मैं सुमित हूँ। आप बैठिए, बैठिए आप आराम से। कुछ नहीं हुआ, आप यहाँ क्यों आए हैं? वो आपकी सिग्नेचर चाहिए थे इंश्योरेंस पेपर पे, इसलिए आया था। लेकिन आप इतनी परेशान क्यों? क्या बात है बताइए। कुछ नहीं। ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहती तो इट्स ओके, लेकिन एक बात याद रखिए, आपको ऐसा परेशान देख कर अजय भैया की आत्मा को बिल्कुल शांति नहीं मिलेगी। अजय भैया मेरे बड़े भाई जैसे थे, मैं उन्हें अपना गुरु मानता था। अगर सच कहूँ ना तो आपके लिए मेरी कहीं ना कहीं जवाबदेही बनती है। अगर आप चाहो तो आप मुझे अपना भाई मानकर ना सब कुछ बता सकती हैं। पक्का? सुमित जी, इस घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विकास जी और चाची जी के बीच में संबंध है। क्या क्या बात कर रही हो भाभी आप? मुझे पक्का यकीन है आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सुमित जी, काश कि ये गलत फहमी होती, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है, आज तो उन्होंने मेरे सामने। भाभी, मेरे होते हुए घर में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप चलिए मेरे साथ, अभी चलिए। कोमल भाभी सच कह रही थी, तुम दोनों हम सबके नाक के नीचे ये सब कर रहे हो। शर्म नहीं आई तुम दोनों को? और हिम्मत कैसे भी तुम दोनों की मेरे बिना शुरू करने की? मेरी शिकायत करने गई थी। इस घर में तेरी शिकायतें, रोना धोना कोई नहीं सुनने वाला है, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तू इस घर के तौर तरीके से जीना सीख। ठीक है? निकलना है, मैं नहीं रह सकती यहाँ पे। मेरा फोन विकास, तुमने कोमल के कमरे से फोन चुरा कर बहुत अच्छा किया, वेरी स्मार्ट।
गुड जॉब. हाँ अब ये बुलबुल तो हमारी कैद में है. अच्छी बात यह है कि अभी तक उसे पता नहीं है कि रवि ने मरने से पहले सारी जायदाद उसके होने वाले बच्चे के नाम कर दिया है. बस अब ये देखना है कि जब तक वो बच्चा बड़ा नहीं हो जाता हमें उसे इस बात की खबर नहीं लगने देनी. लेकिन अगर उस बुलबुल ने इसी तरह अपने आप को कमरे में कैद रखा और अगर उसकी तबीयत बिगड़ गई तो हमारे अच्छे खासे लग जाएंगे. अपनी चिंता को अपने काबू में रखो विकास. उसका क्या करना है मुझे अच्छे से मालूम है. कोमल भाभी, भाभी खाना लेकर आए हो, दरवाजा खोलिए. कोमल भाभी, लीजिए खाना. नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बस यहाँ से जाना है, प्लीज मुझे जाने दीजिए. वो तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप चाहती है कि आपका बच्चा पैदा हो तंदुरुस्त और सलामती से पैदा हो ना, खाना खा लीजिए और चुपचाप उसके बाद दवाई भी खा लेना. सुमित भैया, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने तो कहा था ना कि मैं आपको अपना भाई मान सकती हूँ, तो एक भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अरे वाह, त्रिया चरित्र, तो तुम मुझसे भी तेज निकली. अपने आंसू से सुमित को पिघलाना चाहती है, पर अफसोस इस घर में तेरे आंसू से कोई नहीं पिघलने वाला. बस अब तो इसी चार दीवारी में जीना भी है और मरना भी. तो अगर अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हो तो यहाँ के तौर तरीके भी सीख लो. तुझसे वादा करती हूँ बेटा, मैं तुझे इस कीचड़ से निकल करके ही जन्म दूंगी. सासु माँ, ताले की चाबी है, तुझे कभी नहीं मिलेगी भगवान. मैं जान चुकी आप लोग मुझे क्यों कैद करके रखना चाहते हैं. क्योंकि चाचा जी ने सारी प्रॉपर्टी मेरे होने वाले बच्चे के नाम कर दी है ना. और फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से आसानी से निकल जाओगी? चाची जी प्लीज आप ये सब मत कीजिए, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए.
पर हमें तो चाहिए ना, और उसके लिए तुम्हारा यहाँ होना जरूरी है। और फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम होशियार बनके यहाँ से निकल जाओगी तो सोच लो, कहीं अपनी जान से हाथ ना दो बेटा। वो क्या है ना, यहाँ इस घर की सीढ़ियाँ काफी ऊंची हैं, क्या पता तुम्हारा पांव फिसल जाए और तुम और तुम्हारा बच्चा। नहीं 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 चाची जी, प्लीज मेरे बच्चे को कुछ मत कीजिएगा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तो चुपचाप अपने कमरे में चलती बनो। अच्छा हुआ तुम्हें सब समझ में आ गया। हम चिंता मत करो, हाँ हम तुम्हारा यहाँ पर पूरा ख्याल रखेंगे। तुम्हारे मेडिकल बिल्स, खाना पीना, कपड़ा सब हम देखेंगे, यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चे की परवरिश का भी खर्चा हम उठाएंगे। लेकिन बदले में तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा हमेशा। और गलती से भूले भटके अगर कोई मेहमान इस घर में आ भी जाए तो तुम्हें बस ये शो करना है कि ये घर नहीं है, ये एक स्वर्ग। तो फिर खड़े क्यों, बैठो ना बुरानी, खाना खाओ हमारे साथ। Eyes close. Surprise. क्या है इसमें?
अब मेरे सब्र का बांध टूट रहा है बेटा। तुम्हें और खुद को आजाद करने के लिए मुझे वो करना पड़ेगा जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। क्या कर रही थी? ससुमा को मारने आई थी तू? मारने आई थी आपको ये? मुझे मारने का क्या था तेरा? इतना समझाया तुझे, फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई, हाँ? मुझे छोड़ दे। देख मैं क्या करती हूँ तेरा। अरे मैं कहता हूँ करना क्या है? इसी चाकू से इसका गला काट देते हैं। नहीं, इसे सीढ़ियों से नीचे फेंकेंगे। एक्सीडेंट लगना जरूरी है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, चल मुझे छोड़ दो, मुझे चल छोड़ दो, मुझे प्लीज जाने दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, प्लीज जाने दो मुझे, प्लीज मुझे छोड़ दो। रुक जाओ तुम सब। तीनों का खेल खत्म। कब से चल रहा है तुम तीनों के बीच में नाजायज रिश्ता? वो बिजनेस में बहुत बड़े नुकसान के बाद रवि ने विकास और सुमित को अपनी मदद के लिए बुलाया। काफी बुझे बुझे से रहने लगे थे और मुझसे दूर भी, इसीलिए मैंने पहले विकास और फिर सुमित के साथ नजदीकियां बढ़ाई। हम तीनों में अंडरस्टैंडिंग बन गई, लेकिन एक दिन ससुर जी को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया। शोभा, शोभा, रितु, शोभा, शोभा, सुमित, छी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सुमार, तुम भी, छी छी, तुम तीनों ने मेरी बच्चियों का भविष्य खराब कर दिया। तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं, तू भी देख। यहाँ तक कि हमारी पत्नियों को भी हमारे संबंधों के बारे में सब कुछ पता था, क्योंकि वो भी ससुर जी की प्रॉपर्टी के लिए हमारे साथ इस प्लान में शामिल हो गई थी। लेकिन पासा तो तब पलटा जब रवि ने हमारा सच जानकर अपनी सारी जायदाद अजय के होने वाले बच्चे के नाम कर दी। हमें डर था कि कहीं वो सारा सच अजय को ना बताते। ये आप सब ने मिलकर इसकी हत्या कर दी और इसकी हत्या को सुसाइड की शक्ल देनी चाहिए। हाँ।
उसके कुछ दिन बाद ही अजय की भी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। ऐसा इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। हमें लगा था कि हम अजय को अपनी बातों में उतार लेंगे और जैसे उसका बच्चा पैदा होगा हम उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा लेंगे, लेकिन ये सब होने से पहले अजय को सच्चाई के बारे में पता चल गया। चाची, चाची आप इन लोगों के साथ, मुझे घिन आती है। अब समझ में आया कि चाचा जी ने शादी के रिश्ते की गरिमा को बचाने की बात क्यों कही थी। आपकी वजह से आप लोगों ने मिलकर मेरे चाचा जी को मारा है ना। बोलो मारा है ना, वैसे नहीं बोलूंगे। मैं अभी पुलिस को सारी सच्चाई बताता हूँ, फिर तुम बोलोगे ना। रुको तुम, भैया देख क्या रहे हो, जाओ पकड़ो उसे और हाथ आए तो जिंदा मत छोड़ना। और इससे पहले कि वो आप तक पहुंचता हमने उसे गाड़ी से उड़ा दिया। और जब कोमल विद्रोह पे उतर आई तो तुम लोगों ने उसे भी रास्ते से हटाना चाहा। हाँ, लेकिन आप बीच में आ गए। आपको किसने खबर दी? हमने। रितु, आस्था, तुम दोनों? हाँ भाभी, वो तो गलती से आज आपसे बात हो गई थी, नहीं तो पता नहीं क्या होता। हेलो, हेलो माँ। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने। भाभी आप, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ हाँ रितु, मैं बोल रही हूँ। क्या हुआ भाभी, आप घबराई हो क्यों है इतनी? मुझे मुझे बचा लो रितु, मुझे यहाँ से निकलना है। चाची जी, विकास और सुमित ने मुझे यहाँ घर में कैद कर रखा है। रितु, चाची जी सुमित और विकास के बीच में नाजायज रिश्ते हैं और उन्होंने मुझे धमकी दी है, अगर मैंने इस घर से भागने की कोशिश की तो वो मुझे जान से मार देंगे। हेलो रितु, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हेलो, तुम मुझे सुन सकती हो ना? हाँ 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 भाभी। तो तुम बोल क्यों नहीं रही हो? एक मिनट, कहीं तुम्हें इस बारे में सब कुछ पता तो नहीं है? और आस्था? हे भगवान। रितु, मैं तुमसे कोई मदद की उम्मीद तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर तुमने सच्चे दिल से अजय को अपना भाई माना है तो प्लीज प्लीज हमारे इस कॉल के बारे में अपनी माँ को मत बताना। इन तीनों के लालच और बेशर्मी ने हमें भी अंधा बना दिया था। पहले हमने अपने पापा को खोया, फिर अजय भैया को, पर अजय भैया की मौत से इतना घबरा गए थे कि हम दोनों बहनों ने घर छोड़ दिया। पर हमारा गिल्ट हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था, पर अपने गिल्ट से उभरने के लिए हमें लगा कि हम आस्था भाभी और उनके आने वाले बच्चे के लिए कुछ करें। हम माफ कर दीजिए भाभी। इंस्पेक्टर साहब, इन तीनों ने रिश्ते की मर्यादा को तार तार कर रखा है, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाइए। ले चलो इन्हें। मैं जा रही। भाभी चुप हो जाए।